मामला एक लड़की का मतलब दुष्कर्म हुआ, जिस वो मामला है जिसको हम लोग कैसे बोलें कि उस लड़की के साथ इस तरह का हुआ है कि कोई बयान नहीं कर सकता जिस तरह उसके साथ हुआ है। जो लड़की अभी नाबालिग है, ओनली 15 साल की है लड़की, और उसके साथ 5 लड़कों ने मिलकर दुष्कर्म किया है। हम लोग चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं इसमें कि लड़की का जो गुनहगार है वो लोग को जल्द से जल्द पकड़ें। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, बस भगवान करे ये सब हो जाए, जल्दी से पकड़ा जाए ये लोग, क्योंकि बहुत तकलीफ़ में है लड़की, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है और लड़की को इंसाफ दिलना बहुत ज़रूरी है। क्या है, कैसे जानकारी मिली आपको? हमको करीबन 10:30 बजे करेक्ट 10:30 बजे रात को कॉल किया और बताया हमको। उसमें से उसी ग्रुप में से एक लड़का है जिसका नाम दिलीप है, वो लड़का हमको कॉल किया और बोला कि दीदी हम लोग मेला जा रहे थे, मेला से लौट रहे थे, और मेला से लौटने टाइम हम लोग को बाइक वाला लोग एक बाइक था और दूसरा एक स्कूटी था। स्कूटी में 2 लड़का था और बाइक में, स्कूटी में 3 लड़का था और बाइक में 2 लड़का था। पीछे से वो लोग मतलब हम लोग को आगे पीछे करके डरवाया भी और धमकी भी दिया कि मारेंगे, ये करेंगे। उसके पास सामान था नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने बोला ऐसा करके धमकी दिया कह के बताया। फिर हम लोग उस लड़की को छोड़ छुड़ा के हम लोग साइकिल को छोड़ के सबको ही भागे, तो लड़की गिर गई जिसके वजह से वो लड़की को दबोच लिया। दबोचने के बाद जोर जबरदस्ती एक लड़की हाथ को पीछे करके पकड़ा लड़का और दूसरा उठा के स्कूटी में बैठाया, फिर वहाँ से फरार हो गया। फरार हो जाने के बाद लड़की को करीबन खूब से खूब क्या बोलते हैं यहाँ पे लड़का हमको कॉल किया, बताया हमको ऐसा खबर। फिर हम सर जगह पहले हम लक्ष्मी बाखला दीदी को कॉल किए तो लक्ष्मी बाखला दीदी हमको खूंटी DSP का नंबर दिए। हम वहाँ कॉल किए, फिर खूंटी DSP सर ने हमको बोला कि आपका थाना कर्रा थाना के प्रभारी को कॉल करो। हम वहाँ कॉल लगाने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन लिया और लड़की मतलब बरामद हुई 12:30 बजे रात को। उतना तक में लड़कों ने लड़की के साथ बहुत कुछ गलत कर चुका था, मतलब हम लोग को आगे पीछे करके डरवाया भी और धमकी भी दिया कि मारेंगे ये करेंगे। उसके पास सामान था नहीं था ये तो नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने बोला ऐसा करके धमकी दिया कह के बताया। फिर हम लोग उस लड़की को छोड़ छुड़ा के हम लोग साइकिल को छोड़ के सबको ही भागे, तो लड़की गिर गई जिसके वजह से वो लड़की को दबोच लिया। दबोचने के बाद जोर जबरदस्ती एक लड़की हाथ को पीछे करके पकड़ा लड़का और दूसरा उठा के स्कूटी में बैठाया, फिर वहाँ से फरार हो गया। फरार हो जाने के बाद लड़की को करीबन खूब से खूब क्या बोलते हैं यहाँ पे लड़की को लड़की के लड़की लड़का हमको कॉल किया, बताया हमको ऐसा खबर। फिर हम सर जगह पहले हम लक्ष्मी बाखला दीदी को कॉल किए तो लक्ष्मी बाखला दीदी हमको खूंटी DSP का नंबर दिए। हम वहाँ कॉल किए, फिर खूंटी DSP सर ने हमको बोला कि आपका थाना कर्रा थाना के प्रभारी को कॉल करो। हम वहाँ कॉल लगाने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन लिया और लड़की मतलब बरामद हुई 12:30 बजे रात को। इतना तक में लड़कों ने लड़की के साथ बहुत कुछ गलत कर चुका। टूटती है आप जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।